एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के बुजबाग इलाके में एक बेहद दुखद घटना घटी है। इस घटना में बिजली गिरने से एक नवविवाहित दंपति की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान हिलाल अहमद हांजी और उनकी पत्नी रोजिया जान के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों की उम्र केवल 25 वर्ष थी और कुछ समय पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में शोक की लहर है। जिस घर में कुछ समय पहले खुशियों की बौछार थी, आज वहां मातम पसरा है। आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पति पत्नी दोनों खेत में काम कर रहे थे, तभी मौसम खराब होने के चलते अचानक बादल गरजे और बिजली गिर गई। ये नवविवाहित दंपति इस घटना का शिकार हो गया और बिजली गिरने से इनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये बोलना चाहती हूँ कि कोई 4:20 के करीब हम ऑफिस में ही थे तो कहा कि कुछ ये हुई है, एआरओ में कुछ कैजुअलिटीज आई हैं। जब हम दौड़े तो वहां हमने देखा कि दो डेड बॉडीज पड़ी हैं। एक कपल था, मेल हिलाल अहमद और उनकी मिसेस रोजी जान। तो आफ्टर वेरिफिकेशन ये पता चला कि अभी जो लाइटनिंग हुई है, थंडरस्टॉर्म हुआ है, ये कुछ अपनी जमीन में कुछ खेती कर रहे थे तो वो इनको स्ट्राइक हो गई, जिस वजह से इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमारे एआरओ में उनको ब्रॉड डेड लाया गया। हमने कोशिश की थी कि उनको रिवाइव की जाए, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो अब हमने उनको अपने रिवाइव की।